रिट भर्ती 2017 पर राजस्थान हाई कोर्ट ने उसके परिणाम पर रोक लगा दी है, और इससे संबंधित कल भी हमने वीडियो अपलोड किया था और उससे याचिका से संबंधित जुड़ी हुई जानकारी कल भी आपको दी थी, और इस याचिका से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आगे इस वीडियो में आप देख सकते हैं। अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम जारी करने पर रोक, प्रमुख शिक्षा सचिव सहित अन्य को नोटिस। राजस्थान हाई कोर्ट ने अध्यापक पात्रता परीक्षा 2017 के लेवल द्वितीय का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख शिक्षा सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश VS सिराधना की एकल पीठ ने यह आदेश कमलेश मीणा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाओं में अधिवक्ता विजय चौधरी ने बताया कि अध्यापक पात्रता परीक्षा के लेवल द्वितीय की परीक्षा गत 11 फरवरी को आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 10 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा से पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक हो गया। याचिकाकर्ता को भी मोबाइल पर जी सीरीज का प्रश्न पत्र व्हाट्सएप के जरिए मिला था। याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को शिकायत दर्ज कर पेपर लीक की जानकारी दी गई और मामले की जांच की गुहार की गई। इसके बावजूद भी याचिकाकर्ता की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में गुहार की गई है कि मामले की जांच CBI या SOG किसे करवाई जाए। इसके अलावा भर्ती से पहले ही पेपर लीक होने के कारण नए सिरे से परीक्षा आयोजित कराई जाए। तो ये आप याचिका से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आप देख सकते हैं कि मामला क्या था और कमलेश मीणा ने किस बिहा पर ये रिट दायर की। पूरी जानकारी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पेपर आया, और जी सीरीज का एक पेपर था जो उनके व्हाट्सएप पर मोबाइल पर आया, और ये आप देख सकते हैं। और उन्होंने यही मामले में यही गुहार की है कि इसकी जांच CBI और SOG से करवाई जाए और भर्ती से पहले पेपर लीक होने के कारण नई सिरे से परीक्षा आयोजित कराई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने भर्ती का परिणाम जारी करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। तो ये अध्यापक पात्रता परीक्षा 2017 की याचिका से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। इसी के साथ कला शिक्षा के बेरोजगार अभ्यर्थियों ने किया देवनानी के निवास पर प्रदर्शन। भर्तियों के बोलने और विधानसभा को गुमराह करने का आरोप, तो ये न्यूज़ भी आप देख सकते हैं। भर्ती जारी नहीं होने से नाराज कला शिक्षा के बेरोजगार अभ्यर्थियों ने बुधवार को शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी के निवास के बाहर प्रदर्शन किया। इन अभ्यर्थियों ने देवनानी पर भर्तियों के संबंध में झूठ बोलने और विधानसभा में गुमराह करने का आरोप लगाया। कला शिक्षा के अजमेर के बेरोजगार अभ्यर्थियों की बैठक बुधवार को आयोजित की गई। बैठक के बाद अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री देवनानी के निवास पर पहुंचे और देवनानी की गैर मौजूदगी में उन्होंने PA को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थी मुकेश कुमावत ने बताया कि कला शिक्षा माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य विषय हैं, लेकिन 25 साल से एक भी राजकीय विद्यालय में कला शिक्षक का पद सृजित नहीं किया गया है, न ही कला शिक्षक की भर्ती की गई है। तो इस प्रकार इन्होंने बेरोजगार विद्यार्थियों ने कला शिक्षा के पद सृजित नहीं किए जाने का ज्ञापन देवनानी जी के PA को सौंपा। PA देख सकते हैं। और इसी के साथ महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा पर स्टे लग चुका है और याचिका में नए सिरे से परीक्षा करवाए जाने की मांग की है अब याचिकाकर्ता के द्वारा। आगे के अपडेट्स के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।